खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पर एक नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल आग बुझाने में जुटी हुई है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। देवनगर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो सीहोर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो नमकीन फैक्ट्री है पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन अब तक आग किन कारणों से लगी ये कारण अज्ञात है। सीहोर में देवनगर कॉलोनी की ये घटना है। कवि छोकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कवि, किस वजह से आग लगी, क्या कोई जानकारी सामने आई है? नमकीन भंडार में जो है आज अचानक आग लग गई। आग इतनी बिकट थी कि आग को देखते देखते लपटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी आपस में ले लिया। वहीं जो एक परिवार फैक्ट्री के ऊपर रह रहा था, वो परिवार ने तत्काल बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। इस आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान नमकीन फैक्ट्री का और घर का हुआ है। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर है, प्रशासन भी मौके पर है। जी कभी इस वक्त क्या स्थिति है, लगभग कितना समय और लग जाएगा इस आग पर काबू पाने में? देखिए, दमकल की गाड़ियां लगातार मौके पर हैं, लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, पर आग इतनी बिकट इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी लगभग कितने बजे से ये आग लगी है कभी? देखिए, आग करीबन सुबह 7 बजे की लगी हुई है। धीरे धीरे आग ने जो है बहुत तेजी से अपना रुद्र रूप दिखाया, जैसे चलते नमकीन की पूरी फैक्ट्री और जो मकान में ऊपर रह रहे थे लोग, उनका सामान पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया है, और दमकल और पुलिस विभाग मौके पर है। कभी किसी के फंसे होने की कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है? नहीं, जो परिवार ऊपर रह रहा था उसने तत्काल आग को देखते हुए अपने बाहर निकल कर अपनी जान बचा ली। नमकीन फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते थे वो भी तत्काल आग को देख के बाहर आ गए थे। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सीहोर की तस्वीरें आपने देखी, इस वक्त भी आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग बुझाने के कार्य में जुटी हुई है।